Hi, and welcome, and welcome, hi. सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं फुल डे एंड नाइट इन नागपुर एंड शिव मंदिर। फिलहाल अभी कोई रूम पे है नहीं, सो पहले कर लेते हैं हम रूम को लॉक, फिर जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो ये रहा मेरे रूम के आगे का रोड, जो कि काफ़ी साइलेंट रोड है, क्योंकि सवेरे सवेरे यहाँ कोई नहीं उठता, सिर्फ बूढ़े लोग ही उठते यहाँ पे। सो अपन देखेंगे आगे कि एक्चुअली नागपुर में सवेरे सवेरे क्या होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यही संतरे का झाड़ जो कि इन्होंने घर पे लगाया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो पैदल आ रहे हैं वो लोग डेली नीड्स के लिए आए हुए हैं, और जो लोग दौड़ रहे हैं वो आए हैं रनिंग के लिए, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। सो फाइनली मैं अपने रोड की तरफ आ चुका हूँ, अब यहाँ से जाना है मुझे थोड़ा दूर। तो ये रहा वो मंदिर जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। सो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये लोग कर रहे हैं योगा, जो कि क्या बोलते हैं सब 13+ होंगे। तो अभी तक मैंने जिन लोगों को भी देखा है सब लोग यहाँ पे यानी कि अब 13+ के ही है। यहाँ पे एक भी यंग लड़का चलते हुए या रनिंग करते हुए मुझे नहीं दिखा है अब तक। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ नागपुर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, आज इंडिया के सबसे बड़ा ग्राउंड पे हम लोग आ चुके हैं। एक बार कैमरामैन 16 लाख दर्शक को दिखाओ, खचम खच भरे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सो ये रहे अप्पा जी जो कि ठोक रहे हैं तालियां और ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। इनका ये पर्सनल ग्रुप है जहाँ पे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं और बाकी के लोग वॉक करते हैं, एंड यहाँ पे भजन भी होता है, उसको अपन डिंडे भी बोल सकते हैं, एंड योगा, हाँ बस इतना ही होता है यहाँ पे। और काफ़ी मज़ा आता है जो उसे देखने आता है वो उसको। तो अभी तक आपने जो भी देखा वो था डे के बारे में, तो अभी देखते हैं अपन नाइट। तो चलो सो इस जगह हम डेली रात पे आते हैं, जो कि हम खाना खाने के बाद घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, एंड देन स्टार्ट करते हैं अभी। सो बेसिकली रात में तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बट हमको जाने पहले टाइम हो गया था लगभग पता नहीं कितने बजे थे, तो बट बजे थे कितने तो मे बी अपने ग्राउंड मारून जो। और ये रहा यहाँ का योगा का सेंटर जहाँ पे लोग बैठते हैं सुबह सुबह योगा करते हैं। सो दिस इज फुल एरिया ऑफ दिस मंदिर, तो काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। वहाँ पे बैठे हैं हमारे हैकर जो कि हैकिंग का काम कर रहे हैं। मंदिर 9 बजे ही बंद हो चुका था, तो अपन अंदर नहीं जा सकते, अंदर का शूट नहीं कर सकते, तो आपको यही देखना पड़ेगा। विशाल चोपड़े ऐसा कुछ खास नहीं था, झूले झाले, टाइम पास हो रहा है सिर्फ कैसे भी, और बस काफ़ी अच्छा एरिया। भाई साहब इसको बोलते हैकिंग, अब बताओ। अजीबा अजीबा मत हैकिंग देख रहे हो, हैकिंग देख रहे हो बंदे की। Thank you.
अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ये रहा आपका गिफ्ट।